मित्रों आप सभी का स्वागत है। आपको बड़ा कम समय दिया हम लोगों ने प्रेस के लिए। मित्रों आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री राम माधव जी हम लोगों के मध्य हैं। जम्मू कश्मीर के हमारे तमाम नेता आप लोगों के मध्य हैं। रविंद्र जी वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और कविन गुप्ता जी हमारे वहाँ के उप मुख्यमंत्री आप लोगों के मध्य हैं। मैं सबसे पहले राम माधव जी से आग्रह करूँगा कि आपको संबोधित करें। मित्रों मेरे साथ जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी है और जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री श्री कविंद्र गुप्ता जी है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब है और जम्मू कश्मीर के प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, राज्य सरकार के बीजेपी के मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी यहाँ है। आज एक विशेष बैठक के निमित्त सबको दिल्ली बुलाया गया। जम्मू कश्मीर परिस्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। हमने तीन साल पहले जो सरकार बनाई थी बीजेपी पीडीपी गठबंधन की, जिन उद्देश्यों को लेकर बनाई थी उनकी पूर्ति की दिशा में कितना हम सफल हो पा रहे हैं इसकी विस्तृत चर्चा हुई। और इसके अलावा भी पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में जो परिस्थिति निर्माण हुई है उसके संदर्भ में विभिन्न स्तरों पर हमारी चर्चाएं हुई है, उसका आकलन करने का विस्तृत प्रयास हुआ। गृह मंत्रालय से, एजेंसी से सबसे आवश्यक इनपुट्स लेने के बाद प्रधानमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष अमित भाई, इन सबकी परामर्श होने के बाद आज हमने यह निर्णय किया है कि यह गठबंधन सरकार में आगे चलना भाजपा के लिए संभव नहीं होगा। इट हैज बिकम अनटेनेबल फॉर बीजेपी टू कंटिन्यू इन द अलायंस गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। इस निर्णय का जो कारण है मैं 2 मिनट में बताऊंगा, पर इस निर्णय के संदर्भ में अंतिम आपके सामने ये निर्णय की जानकारी देने से पहले हमने राज्य सरकार में हमारे जो मंत्री है, उप मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री है, उनसे भी चर्चा की है और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से भी चर्चा की है। सबकी सहमति से आज हमने यह निर्णय लिया है कि जम्मू कश्मीर सरकार में भाजपा अपनी भागीदारी को वापस लेगी। हम 3 साल पहले सरकार बनाए थे, उस समय जनता का जो जनादेश था वह विखंडित था। इट वॉज ए फ्रैक्चर्ड मैंडेट, यू ऑल नो। 2014 एंड में जो मैंडेट आया था उसमें जम्मू का क्षेत्र पूर्ण रूप से भाजपा को समर्थन दिया था, वही कश्मीर घाटी में मेजॉरिटी सीट पीडीपी को मिले थे। इस जनता के जनादेश को ध्यान में रखकर हमने एक साझा सरकार चलाने का निर्णय लिया था। उसके लिए 4 महीने की कसरत हुई, हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, एजेंडा ऑफ एलियंस बनाई थी। उस एजेंडा के एलियंस के तहत हम सरकार चलाने के लिए पीडीपी के साथ मिलकर प्रयास शुरू किया था। पिछले 3 साल से ज्यादा के समय में भाजपा अपनी तरफ से सरकार अच्छी तरह चले और सरकार के जो 2 मुख्य लक्ष्य थे, एक तो शांति, राज्य में शांति बहाल करना, दूसरा राज्य के 3 प्रमुख हिस्सों में विकास को तेजी से आगे बढ़ाना, रेस्टोरिंग पीस इन कश्मीर, एस्पेशली इन द कश्मीर वैली एंड
encouraging fast development in all the three regions of the state that include Jammu, Ladakh and Kashmir Valley. These were the twin objectives with which we had joined hands with the PDP to form the coalition government. आज जो परिस्थिति राज्य में निर्माण हुई है, जिसमें एक भारी मात्रा में कश्मीर घाटी में आतंकवाद, टेररिज्म एंड वायलेंस बढ़ गया, रैडिकलाइजेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स that include right to life and free speech, ये भी खतरे में आ गए हैं वैली में. आपने देखा जिस प्रकार एक मूर्धन्य पत्रकार शुजात बुकारी जी की दिन दहाड़े श्रीनगर शहर में हत्या होती है. यह परिस्थिति की विषमता का एक परिचायक है. आज प्रेस फ्रीडम हो या फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, यह भी खतरे में आ गया है. जहां तक केंद्र सरकार का रोल का प्रश्न है, हम भारत सरकार को तो पूर्ण हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिछले तीन साल में प्रोएक्टिवली राज्य सरकार को मदद करने के लिए भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा तत्पर रही. सेंट्रल गवर्नमेंट के अनेक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स राज्य में अमल किए गए हैं और विशेषकर 80,000 करोड़ का एक डेवलपमेंट पैकेज भी राज्य को दिया गया. उसमें एक सब्सटैंशियल राशि ऑलरेडी राज्य को मिल चुकी है, डिसबर्स भी हो गई है और अनेक प्रकार के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में केंद्र सरकार अपना मदद देती ही रही है. एक्चुअली 15 दिन पहले प्रधानमंत्री स्वयं लद्दाख और जम्मू कश्मीर राज्य में जाकर दो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को फिर उद्घाटन करके आए थे. तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से डेवलपमेंट के लिए जो भी आवश्यक विषय था जम्मू कश्मीर के लिए वो करती रही. राज्य की सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए भी राज्य सरकार को पूरी मदद केंद्र सरकार की ओर से, विशेषकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी और केंद्रीय गृह मंत्रालय दोनों से मिलते रहे. गृह मंत्री समय समय पर वैली में दौरा करते रहे और आपको मालूम है अभी हाल में एक इंटरलॉक्यूटर को भी नियुक्त करके जम्मू कश्मीर के, विशेषकर कश्मीर वैली के जो विभिन्न सेक्शंस है, उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने का भी एक सिंसियर एफर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, होम मिनिस्ट्री ने किया. और सीमा पार जो भी पाकिस्तान की गतिविधि होती है उसको विफल करने का भी पूरा प्रयास हमारी सरकार, हमारे होम मिनिस्ट्री, हमारा मिलिट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री लगातार करते रहे. जम्मू में सीमा की इस तरफ रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए बंकर्स बनाने के लिए भी पूरा सहयोग भारत सरकार ने दिया. 4,000 बंकर्स का निर्माण का काम हुआ है. तो भारत सरकार अपनी तरफ से राज्य में स्थिति को अच्छी चलाने के लिए जो भी आवश्यक कदम राज्य सरकार ने मांगी है वो सब देने के लिए हमेशा तत्पर रही. पर मुझे ये कहते हुए दुख है कि हालांकि हम भी तीन साल से उस सरकार में भागीदार रहे हैं, फिर भी सरकार का जो मुख्य नेतृत्व जिनके हाथ में है वे इन स्थितियों को संभालने में कहीं पूर्ण रूप से सफल नहीं रहे हैं. हम इनको इरादों को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, पर वास्तविक स्थिति में जो राज्य सरकार का दायित्व था, विशेषकर कश्मीर घाटी में परिस्थिति को सुधारने का, उसमें राज्य सरकार असफल रही ऐसा ही लगता है. और दूसरी तरफ जम्मू और लद्दाख में जो विकास की दृष्टि से जितना काम होना था उसमें भी कहीं ना कहीं अड़चने हमारे मंत्रियों को सामना करना पड़ता आया है. जितने मंत्रालय हमारे पास थे उनमें फिर भी हमारे मंत्री कोशिश करके कुछ विकास के काम कर सकते थे, पर पूरी सरकार तो बीजेपी का नहीं है, उसके चलते
कई विभागों में काम की दृष्टि से काफी समस्याएं और एक प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन की भावना जम्मू और लद्दाख की जनता महसूस कर रही है। ये सभी स्थितियों को ध्यान में रखकर 3 साल सरकार चलाने के बाद आज हम इस मत के बने हैं कि व्यापक देश हित में, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर भारत का एक अखंड और अविभाज्य अंग है, उस कमिटमेंट को हम ध्यान में रखते हुए, देश की सॉवरेंटी, देश की इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए कश्मीर में जो परिस्थिति इस समय उत्पन्न है उसके ऊपर नियंत्रण लाने के लिए, बेसिकली कीपिंग इन माइंड द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडियाज इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, कीपिंग इन माइंड द फैक्ट दैट जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इन ऑर्डर टू ब्रिंग कंट्रोल ओवर द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द स्टेट, वी हैव डिसाइडेड दैट इट इज टाइम द रीन्स ऑफ power in the state be handed over to the governor, राज्य में governor का शासन लाए और स्थिति को सुधारने का प्रयास हो, और परिस्थिति सुधरने के बाद आगे जो development होगा उस पर हम विचार करेंगे। इतना विषय ध्यान में रखकर हमने आज ये निर्णय लिया है। आपके सामने एक प्रश्न हो सकता है कि आपने तो अभी अभी एक महीने का सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस का भी घोषणा की थी। हमने एक आशा के साथ कि रमजान माह में जो मुस्लिम समाज के लिए एक पवित्र माह होता है, पवित्र महीना होता है, उस समय घाटी में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस के माध्यम से शांति बहाल करें और उसमें आम जनता को एक तसल्ली मिले, इस उद्देश्य से हमारी तरफ से हमने ऑपरेशंस को रोका था। हमारी अपेक्षा थी कि हमारे इस कदम का एक अच्छा रेस्पॉन्स आतंकवादियों की ओर से भी और वहां जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस है हुर्रियत वगैरह उनके तरफ से भी आएगी। हमारी मजबूरी नहीं थी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, पर हमारा बड़ा दिल था, हमारा गुडविल जेस्चर था, पर हमारा अनुभव यह है कि इस एक महीने के दौरान भी कोई अपेक्षित प्रतिसाद उधर टेररिस्ट की तरफ से नहीं आया और सेपरेटिस्ट फोर्सेस जो भी है वहां हुर्रियत समेत बाकी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वे भी इस अवसर को अपने अनुकूल फायदा के लिए लेने का प्रयास नहीं किया। इसलिए अब यह भी होम मिनिस्टर ने तय किया कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस जो रमजान माह के लिए अनाउंस किया गया है वह कार्यकाल भी समाप्त हो गया। तो भारत सरकार का जहां तक प्रश्न है, हम अपनी तरफ से पर्याप्त प्रयास करने के बाद इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं, अब समय आया है कि इस सरकार का के अंदर से भाजपा अपने आप को विथड्रॉ करे। तो थोड़ी ही देर पहले हमने हमारी तरफ से जो गतिविधि करना है वो किया है। मेरे साथ जो राज्य के उप मुख्यमंत्री जी है उनसे आग्रह करूंगा कि सेंट्रल पार्टी का इस निर्णय को अमल करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाया वो उसकी जानकारी आपको दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र के इस निर्णय का भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर स्वागत करती है। देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को देखते हुए जो निर्णय लिया गया जो अपने आप में पर्याप्त है। हमने राज्यपाल को अपना जो रेजिग्नेशन है भेज दिया है। हमारे मंत्रियों ने भी मुख्यमंत्री महबूबा जी को
रेजिग्नेशन दे दिया है। इसी के साथ ही आज से हम जम्मू कश्मीर सरकार से गठबंधन से बाहर आ गए हैं। बाकी केंद्र के निर्णय का हम सभी की तरफ से स्वागत है। मित्रों कुछ आप इसको देखो, एक मिनट एक 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 करके लेंगे। कुछ दिन पहले आप लोगों ने अपना डिप्टी चीफ मिनिस्टर चेंज किया, आप लोगों को उस समय स्पष्टता नहीं थी कि सिचुएशन खराब हो गया, मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसी समय हट जाते, स्पीकर आपने नया बनाया, नया डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, उस समय और अब के बीच में ऐसा क्या हो गया कि आपके हृदय परिवर्तित हो? हमने एक स्वाभाविक प्रक्रिया में 3 साल पूरा होने के बाद मंत्रिपरिषद में कुछ फेरबदल जरूर किया है। उस समय भी आज तक भी हमारी अपेक्षा थी कि साथ मिलकर हम पूरे कार्यकाल तक सरकार चला पाएंगे, पर जैसा मैंने कहा जो परिस्थिति में विकटता आ रही है उसके चलते इस सरकार में कंटिन्यू करना हमारे लिए टेनेबल नहीं है, इसलिए आज ये निर्णय लिया है। मारिया सकील, no, why now you can ask any day, whenever we do it you can say why now. I have explained to you why now. We have taken stock of the situation in the state. Number one, the security scenario in the valley. Number two, growing sense of discrimination in the remaining two parts of the state. Keeping these two situations in mind and taking full stock of the situation, taking feedback from all the different concerned institutions and agencies in the state, the central government and central party has come to the view that it is time BJP withdrew from the state government. Radhika ji. No, as I told you, the reasons I have explained why we decided to withdraw from the government. There are no other reasons, no other concerns. We are not losing any ground. We have done a lot of good work for the people of Jammu. Our ministers have delivered on different fronts, wherever whichever ministries they were holding. They have been able to do a lot of good work for the people, not only of Jammu and Ladakh, I am saying for the entire state. So we are not really concerned about losing ground and all that. The issues, as I mentioned, are different. Amit Kumar. मैंने आंसर कर दिया, आज क्यों इसका उत्तर तो मैंने दे दिया, नहीं था वो सब मैंने कह दिया। राधिका के प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा और कोई कंसिडरेशन नहीं है, कोई डर नहीं है। अनीता जी, आप घूम फिर कर वही आ रहे हैं। मैंने कहा हमने सीज फायर एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में वहां के टेररिस्ट एलिमेंट्स और सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स के लिए दिया था, फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, रिमेंबर। उसको भी वो उस अपॉर्चुनिटी को भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, तो ऐसे में परिस्थिति को नियंत्रित करने की एक
आवश्यकता थी उसको महसूस करते हुए निर्णय लिया है। देवेंद्र परासर। नहीं, राज्य के लैंड ऑर्डर की सिचुएशन को स्टेट मैनेज करता है और स्टेट में हम सेंट्रल फोर्सेस और स्टेट के फोर्सेस मिलकर आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने का एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया था, उसकी भारी सफलता हमको मिली है। पिछले 3 साल में करीब 600 से ज़्यादा आतंकियों को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज किया है, पर इसमें एक वैली के अंदर पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की जो जिम्मेदारी है और रेडिकलाइजेशन रोकने के लिए जो और प्रयास डेवलपमेंट के माध्यम से और एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविज्म के माध्यम से जो होना था उसका कोई समय वहां हमको देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए एक बात याद रख लेना, अगर गवर्नर्स के गवर्नर रूल भी वहां लग जाती है उस राज्य में तो भी हमारे आतंकवादियों के खिलाफ का मुहिम जारी रहेगा और सफलता से आगे बढ़ेगा, यह मुहिम तो चलेगा ही। इसलिए ये दो को लिंक करने का कोई कारण नहीं, मैं इतना ही कह रहा हूं स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है उसमें हम संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम बाहर आ रहे हैं। अनामिका रत्ना। इसलिए मैंने कहा, हम उस समय भी कहे थे, बीच में भी कई बार कहे थे कि जनता का मैंडेट को सम्मान करना था। उस समय अगर हम सरकार नहीं बनाते तो केवल एक ही विकल्प था कि एक राष्ट्रपति का या गवर्नर का शासन लग जाए। इतना बड़ा मैंडेट जनता ने दिया, तब उस मैंडेट का सम्मान करते हुए हम साथ आए हैं। 3 साल हमने कोशिश किया, कई चीजों में हम बीजेपी की ओर से हम बहुत कुछ करने का जम्मू के लिए वगैरह के लिए कोशिश किया है, पर आज एक ऐसी व्यापक राष्ट्रीय हित में स्थिति निर्माण हुई उसके अंदर हम ये निर्णय लिए है। एक मिनट शांत रहे। रवि जी आपका हो चुका है। पॉल मी प्लीज। We are saying that the continuance of BJP in this government has become untenable. The responsibility for this kind of a scenario lies with the other side. Megha Prasad. No, as I said, I have highlighted 2 points. Both of them are equally important for us. Number one, the security scenario, where even the fundamental rights of the citizens of, especially the Kashmir Valley, are at a huge risk today. I also referred to the recent killing of Shujat Bukhari in broad daylight in Srinagar city, and 4 days, 5 days after that, we are nowhere near catching the culprits. So it is a big serious question about protecting the fundamental rights of the people, right to free speech, right to life. That also is a major concern. Deteriorating law and order situation and also growing terrorist activity and radicalization is a concern. Plus, as I said, we needed much more to be done to the other 2 regions in the state. We find that not happening to our satisfaction. Rakesh, PTI. Last day, let's Jammu and Kashmir has faced
ups and downs many times. There was a rise in violence and terrorism in the past also. Then after some time there was a controlled situation for some time, then there was a spurt again in the situation. It has happened in the valley. All that I am saying is, we came to the view, conclusion, that the present scenario cannot be handled by the present government at this juncture. And we find our continuance in this government to be totally untenable. It's time that matters are taken over by the governor, situation is restored to normalcy, then we can take the political process forward. Ravindra Ji News, Ravindra Ji News, please. Ravindra Ji News. हमने जैसा कहा कि वर्तमान स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ समय के लिए राज्य में गवर्नर का शासन लगाया जाए, यही आज की स्थिति में सही विकल्प ऐसा हमको लगता है. बाकी उचित निर्णय गवर्नर साहब करेंगे. यतीन्द्र इंडिया न्यूज. मेरी जानकारी में नहीं है कि उनका क्या व्यू था. इन एनी केस आफ्टर द किलिंग ऑफ शुजात बुखारी देर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑफ एक्सटेंडिंग सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन. आई मीन इफ टेररिस्ट कुड वॉक इन टू श्रीनगर सिटी एंड देन किल अ सीनियर जर्नलिस्ट, आई मीन ए सेम वॉइस लाइक दैट ऑफ सजाद अपन बुखारी, शुजात बुखारी, in broad daylight, in a VIP area called press enclave. Obvious that we could not have asked for extension of suspension of operations. Chale bhaiya, thank you. Ram Narayan Srivastava. Ram Narayan Srivastava.